जी एक और बात और दर्शकों को आप बता दीजिए कि अगर लीवर जैसे फैटी लीवर की समस्या अगर उनके साथ आती है तो कौन सी चीजें एकदम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते, उनको मालूम ही नहीं चल पाता है कि फैटी लीवर है, क्या छोड़ना है, क्या खाना है, तो क्या एकदम छोड़ देना चाहिए? सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग छोड़नी चाहिए, ये सोचना ही बंद कर दे कि मुझे कुछ हुआ है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ के सोचे कि अब इसका करना क्या है। पहले अच्छा सा डॉक्टर ढूंढे, डॉक्टर भी क्या वैद्य ढूंढे। मैं आपको सच बताता हूँ, सही राय दूंगा कि वैद्य कोई भी ढूंढ लो, आपके आसपास, घर के आसपास होगा, आप कहीं भी मुल्क में बैठे हो, किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपके आसपास एक वैद्य जरूर होंगे। आप लिख लीजिए आयुर्वेदिक आयुर्वेद आचार्य नियर मी, तुरंत निकल आएगा गूगल पे कि फला फला है भाई आपके पास, समझ गए ना। तो आप उनको मिलिए, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। नहीं आपको उनको मिल पाते तो हमारा टेलीफोन नंबर है, इससे नज़दीक तो कोई वैद्य है ही नहीं, घंटी मारो आपके साथ हाजिर। अब मैं नहीं मिलूँगा पर हमारे और वैद्य मिलेंगे वहाँ पे। कहीं कहो कि सुभाष गोयल जी से ही बात करनी है फिर आपका मूड ख़राब होगा, हमारे बाकी वहाँ पे वैद्य मिलते हैं, वही काम करते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को वैसे मिलता हूँ, कभी किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क पे, कहीं ढाबे पे बैठे मस्ती करते हुए आप लोगों के साथ हम बात करते हैं। हम अब क्लिनिक पे नहीं बैठते भैया, वहाँ सारे वैद्य बैठते हैं, मेरी बेटी डॉक्टर है वो करती है, सारे करते हैं, और बड़े बड़े विद्वान वैद्य आपके लिए वहाँ बैठे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जब हो गई तो वैद्य की सलाह लीजिए और आयुर्वेदिक औषध लीजिए। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चीज़ है लीवर को ठीक करने की, वो है भूमि आमला। एक होता है आमला, एक होता है भूमि आमला, वो लीवर को ठीक करेगा। अब जैसे आप जिम करते हो तो आपको सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को मजबूत रखना है। भू अमृत पाउडर और एक आंवला पाउडर, एक अश्वगंधा पाउडर आपके लिए बहुत है। आप जितना मर्जी जिम पेल दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपके जिम के ट्रेनर हैं उनको भी इतना सा क्लिप दिखा देना, वो भी कहेंगे कि गोयल साहब वाकई सही बात कहते हैं। जो जिम के ट्रेनर होंगे, जो बिजनेस वाले जिम चला रहे हैं उनकी बात नहीं करते भी, वो तो देखो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कुछ और पढ़ाई पढ़ी हुई है, उनके तरीके से आप कर रहे हो तो वो आप उनके तरीके से करिए। अगर आप आयुर्वेदिक सिस्टम से गुड हेल्थ से काम करना चाहते हो तो ये तीन चीज़ें नोट कर लीजिए। बिल्कुल, चलिए। तो लीवर एक और है, हाँ एक और, वो है शिलाजीत। अच्छा वो जो शिलाजीत है ना, उसके अंदर फुलबिक एसिड होता है, वो मसल्स को स्ट्रांग करता है। आपकी जो आप कहते हो ना मेरे मसल बन जाए, मेरा ये बन जाए, तो शिलाजीत का आप यूज़ कर सकते हो, या आपके ट्रेनर भी आपको कहेंगे ये बात सही है, ये मान लो। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली लीवर की, लीवर के बारे में आपने बताया। एक और सवाल है जो सवाल सभी दर्शकों के मन में इस वक्त चलता है कि हमने देखा है गोयल साहब, जो युवा हैं आजकल के युवाओं के दिल बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब 26 साल का लड़का, उसको हार्ट अटैक आ गया। हमने तो पीछे देखा कि 14 साल का बच्चा, उसको हार्ट अटैक आ गया। कि ये दिल इतना कमजोर कैसे हो रहा है? आजकल दिल टूटता बहुत है ना हर आधे घंटे में टूट रहा है हर मोड़ पे टूट रहा है, हर चौक पे टूट रहा है, किसी पार्क में टूट जाता है आजकल। पहले होता था कि जो दिल था ना पहले टूटता ही नहीं था। गाँव में लोग रहते थे, गाँव में जितने एक दो आसपास के गाँव की लड़कियों को भी वो बहन कहते थे, वो भी उसको अपना भाई कहती थी। हाँ। तो उस समय भी ये दिल दुल टूटते नहीं थे, बहन भाई तो एक दूसरे का दिल मजबूत करते हैं, बचा के। अब ये अब क्या हुआ, अब मोहल्ले में ही टूट जाता है दिल। कई बार ऊपर कोई और रह रहा है, नीचे वाले का दिल टूट गया। हाँ। तो अब ये इसके चक्कर में दिल बड़ा कमजोर हो रहा है भाई। तो हम आपको ये तो होगी चलो हंसी मजाक की बात, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नहीं होता कि कहीं भी हम कह दें कि हमारा दिल टूट गया, ऐसे नहीं होता। दिल जो है ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर दिल को कुछ हो गया, लीवर को कुछ हो गया, ब्रेन को कुछ हो गया, ये जो अपने गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, इनको कुछ हो गया, ये 5-6 ऑर्गन हैं अपने, इनको बचा के रखिए, इनकी सेफ्टी रखिए। अब दिल की बात आई है तो दिल पे क्या चीज़ ज़रूरी है, ये है कि आप इसके लिए अर्जुन छाल, अर्जुन शक का पाउडर बना के रखिए, या फिर सीधा अर्जुन छाल लेके आइए घर में। बहुत सारे लोगों को पता होगा। और एक आती है अर्जुन छाल तो सबको पता है। एक आता है धमासा, एक जड़ी बूटी है। अब इसमें लोग नकली दे देते हैं, इसके लिए उनके साथ बात करना पड़ेगा, पंसारी के साथ, कि गोयल साहब ने कहा था कि धमासा लेना है, असली लेना है।